কিন্তু বোধ হয় কে শুভুল। হ্যাঁ কে বলো? হ্যালো শো, হাই হাউ আর ইউ? হ্যাঁ সমঝ আয় রো কে? दोस्तों मक्खन मैंने निकाल दिया है जी, वाली बॉल मैंने यहाँ पे रख दी और ये वाली बॉल है मेरे नाम। तो दोस्तों अभी अपना रैबिट सो रहा है आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके। तो थोड़ा सा भी इनको नहीं दिखता है मतलब, और इनको अब इतना आइडिया हो चुका है यहाँ पे कि कहाँ पे इनका सामान है कहाँ। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम लगभग सुबह के 8:30 हो चुके हैं और मैं बहुत जल्दी आज सो के उठ गया था, और जो मेरी एक दीवार बची थी कलर करने को वो भी मैंने कर दी है जी फाइनल। और अब बचता है हमारा लोहे वाला काम, जो लोहे लोहे की जो ग्रिल चढ़ी है छत पे, बस उसका काम बचा हुआ है। तो आज गांव में शादी है तो मम्मी गए हैं सुबह सुबह जी गांव, तो हमारे गांव में रूल होते हैं कुछ की। तो दोस्तों हमारे गांव में क्या सबके गांव में पहाड़ों में नियम होते हैं कि अगर किसी के वहां शादी हो या कोई बड़ा फंक्शन हो, तो वैसे ही हमारे गाँव में भी एक शादी है, तो मम्मी और पापा जाएंगे वहाँ पे एज ए वर्कर। मतलब सारे जाते हैं जितने भी गांव के होंगे, भाई रोटी बनाने भी जाते हैं और सब्जी वगैरह जो अदर काम होता है वो मैन भी जाते हैं और फीमेल भी जाते हैं, दोनों जाते हैं। तो ऐसे में आज मम्मी और पापा को दोनों को जाना पड़ रहा है, तो शायद से घर में आज मैं हो जाऊंगा अकेला। तो ऐसे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे घर का ध्यान और गाय वगैरह का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। तो अब मम्मी सुबह सुबह ही जी निकल गए हैं, पापा गए हैं अभी खेत वाले घर में, और यहाँ पे लस्सी बना के छोड़ दी है मम्मी ने। तो मैं इसमें से निकाल लेता हूँ जी मक्खन और फिर करता हूँ आगे का काम। तो दोस्तों अभी मैं मक्खन निकाल रहा हूँ और मक्खन निकालने का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। तो पहले मक्खन को इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। वैसे मैंने काफ़ी वीडियो में बनाया है, पिछले बार जब मैं घर में होता था तभी मैं काफ़ी मक्खन निकालता था जी। तो वैसे मेरे को ज़्यादा तो मतलब नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं करता रहता हूँ तो हर काम, क्योंकि दोस्तों सारा काम करना चाहिए घर में। दोस्तों मक्खन मैंने निकाल दिया है जी, ये वाली बॉल मैंने यहाँ पे रख दी और ये वाली बॉल है मेरे नाम। तो अभी मैं अपने हाथ वगैरह साफ कर लेता हूँ, मेरे हाथों में देख सकते हैं अब कितना ज़्यादा मक्खन बड़ा भरा पड़ा। मैंने मक्खन लगा दिया है जी रोटी पे, और अब जब इसको हम खाएंगे तो इसका स्वाद है वो लाजवाब हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है इसका, भाई लोकल मक्खन है प्योर शुद्ध। दोस्तों अभी मैं लेके जा रहा हूँ दूध, तो अभी दूध लेके जा रहा हूँ जी छत चूल्हे पे रखने के लिए बॉयल करने को। सुबह दूध भी नहीं रखा था आज। जो कलर बचा हुआ है पेंटिंग का वो ये जो गैलरी है सारी लोहे की, इस पर मुझे करना है जी कलर। तो जो ये ब्लू कलर का कलर है ये तो मैंने कल ही कर दिया था, बट अभी जो ब्लैक कलर का बचा हुआ है ब्लैक कलर का करना है। वैसे इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बट मैं मतलब इतना नहीं करूँगा, मैं जहाँ जहाँ से थोड़ा डैमेज हुआ है मतलब कलर मिट गया, जैसे यहाँ से इधर से ये कलर मिट चुका है तो इधर इधर को मैं कर दूंगा, मैं पूरे में नहीं करूंगा क्योंकि फिर तो बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बहुत ही टाइम को मतलब एडजस्ट करके काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा अपना काम है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तो वो भी बस ऐसे ही चली है जैसे कैसे भी मैं चला रहा हूँ भगवान भरोसे। तो बहुत ज़्यादा अभी मतलब मैं टाइम की कंजेस्टिविटी कर रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल कर लेता हूँ काम मैं। तो दोस्तों अभी अपना रैबिट सो रहा है आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके। और दोस्तों ये जो मक्खन है मेरे वाला, इसको रोटी पे चारों ओर लगाना है और फिर देखें चाय के साथ ही क्या ही ज़बरदस्त खाने में लगती है। तो कुछ इस तरह से इसको लगाना है जी चारों ओर। अभी ये दीवाली दीवार करने लगा हूँ मैं, तो आधी तो ये हो गई है और थोड़ी सी अभी बची हुई है, तो ये वाला पोर्शन था थोड़ा सा हार्ड, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा लगभग। और यहाँ पे देख सकते हैं आप केले का पेड़ है जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यह पुराना क्लिप है और इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि गांव में मक्खन को इस तरह से घी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जी अभी दादी भी आ चुके हैं, छत पे आ रहे हैं। मेरे 200 में चार्ज देंगे, चार्जिंग अकाउंट फोन ए दो बुवा के है पाब्लो से कोई बुवा के हां से वो टाइम टाइम कैसे ना
चार्जिंग का सुन दे हां और सुन दे चार्जिंग अच्छा है लगा लग रहा है तो मेरी दादी है इनकी आंखों से रोशनी इनकी चली गई है मतलब इनको दिखता नहीं है तो थोड़ा सा भी इनको नहीं दिखता है मतलब और इनको अब इतना आइडिया हो चुका है यहाँ पे कि कहाँ पे इनका सामान है कहाँ पे टॉयलेट है कहाँ पे छत है और कहाँ पे किचन है तो ये मतलब सारा आइडिया लगा लेते जैसे मतलब हम आंखों देख के लगा लेते तो वैसे ये पूरा आइडिया लगा लेते हैं इतना इनको एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पे। तो टाइम लगभग 11 बज चुके हैं और अभी मैं स्टिल कलर कर रहा हूँ अपना यहाँ पे जो गैलरी का कलर है ये वाले। तो अभी मुझे लंच का भी कुछ देखना है लंच बना लेता हूँ मैं। तो पापा जा रहे अभी नीचे गए वाले खेत पे। इंग्लिश आती तर समझ ना होती दिन दिया है जी मुझे मूंगफली वाला नमकीन तो इनके पास बहुत होता है पड़वा तो ये देते रहते हैं मुझे खाने को। कभी मैं भी बना लेता हूँ खिचड़ी और फिर मिलता हूँ उसके बाद क्योंकि कलर का काम तो मेरा भी लंबा है। चलो अजी अभी तो टाइम मैंने खिचड़ी बना ली है और इसी के साथ अपना रैबिट भी आ चुका है अभी बाहर घूम रहा है ये भी। दोस्तों खाना कुना हमने खा लिया है और खाने में खिचड़ी बनाई थी और साथ में दही थी तो अभी खा रहा हूँ जी मैं अमरूद। ये अमरूद हमारे अपने पेड़ के हैं इधर सामने थोड़ी दूर पेड़ है हमारा और वहाँ पर अमरूद था एक बहुत बड़ा तो अभी वो खा रहा हूँ। बहुत मीठा अमरूद है। मेरे साथ साथ देख सकते हैं भाई आप खरगोश कहाँ पे सो रहा है सूखे हुए कद्दू के ऊपर सो रहा है आराम से। तो अभी इसके लिए मैंने मूली के पत्ते दे दिए हैं और मूली के पत्ते खा रहा है आराम से। अभी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ और फिर करूँगा अपना पेंटिंग का काम। दोस्तों टाइम लगभग दिन के 3 बज चुके हैं और मैं अपनी छत पे लगा हूँ ये कलर करने ये जो ग्रिल है लोहे की। तो अभी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और कर रहा हूँ रेस्ट और इसी के साथ मैंने पापड़ बनाए हैं तो जो परसों बनाई थी मम्मियों ने तो हम इसको शाकुली बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ये दो पापड़ मैंने बनाए हैं अभी इनको खा लेता हूँ और फिर लगता हूँ अपने काम पे। तो दोस्तों अभी इसी के साथ मैं आ चुका हूँ जिस छत पे चाय पीने और अभी टाइम लगभग 5:30 हो रहे मतलब अंधेरा होने वाला है और इस वक्त ठंड बढ़ चुकी है वैसे बट घूमने का गांव में कुछ मज़ा ही और आता है क्योंकि गाँव में इस वक्त अभी गोल्डन कलर की मतलब धूप होती है हल्की फुल्की धूप और बहुत ही प्यारा प्यारा नज़ारा नज़र आता है। तो इसी के साथ अभी मैं पी रहा हूँ जी चाय बिस्किट और गर्मा गर्म चाय ऐसी सर्दी में कुछ मज़ा ही और है। दोस्तों टाइम हो चुका है जी डिनर करने का और अभी मैंने अपना काम कर दिया है बंद और अभी मैं लगा हूँ डिनर बनाने। तो आज मैं गैस पे बना रहा हूँ और डिनर में मैं बना रहा हूँ जी मूली की सब्जी अपने खेत की और जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है तेल इसमें डाल दिया है। तो अभी मैं सब्जी बना लेता हूँ फिर बनाऊँगा बाहर चूल्हे पे चपाती।